अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बीफ तहरी की रेसिपी और इसे गुलबर्गा की तहरी भी कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये तहरी बनके तैयार होती है। आप इस तहरी को ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो फिर चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बेहद ही आसान रेसिपी है। इस तहरी को बनाने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 किलो + 1/2 किलो बीफ और इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक। आप इस तहरी को मटन के साथ भी बना सकते हैं। अब इसके बाद जाएगा 2 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। जब भी आप तहरी बना रहे हैं तो आपने सारे मसाले फ्रेश इस्तेमाल करना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो इसमें हम हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हल्दी डालने से गोश्त का कलर येलो हो जाता है। इसको हम 1 घंटे के बाद गलाएँगे। आपने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। गोश्त को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब यहाँ पर कुकर में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गोश्त गलाने के लिए ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बाद डालेंगे 1 बड़े साइज की चॉप की हुई प्याज। इस प्याज को ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। कुछ देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ गोश्त। अब इसे हम हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनते जाएंगे। अगर आप हमारे स्टाइल में तहरी के और भी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो सारी रेसिपीज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा। इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से मोल लेंगे और उसके बाद डालेंगे 2 गिलास पानी। जिस बॉल में हम इसको मिक्स किए थे उसी को वॉश करके 1 गिलास पानी हम डालते हैं और 1 गिलास पानी इसमें और जाएगा। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके लिड को लगा के तकरीबन 20 से 25 सीट आने तक इसको गलाएंगे। जितना आप गोश्त टाइट या फिर सॉफ्ट चाहते हो उतनी देर आप इसे गलाएं। गोश्त अच्छे से गल चुका है, इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें डालेंगे 6 से 7 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले। तो ये रहा जायफल, इसको हम इस तरह से क्रश कर लिए हैं और ये बाकी के सारे खड़े गरम मसाले हैं जो आप जानते ही हैं। इसे ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये रहा तेज़पत्ता। खड़े मसालों में आपको जो भी पसंद नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं और जो खड़े मसाले आपको पसंद है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। खड़े मसाले अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें डालेंगे 6 से 7 चॉप की हुई प्याज और अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस प्याज के ऊपर ब्राउन कलर आने तक आपने इसको फ्राई करते जाना है। और अब इसमें डालेंगे 10 से 11 कुटी हुई इलायची। तो इसके डालने से तहरी का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बिल्कुल होटल जैसी तहरी बनके तैयार होती है। आप इसे ज़रूर डालें। 1 चाय का बादियान का फूल। अब इस प्याज के ऊपर आपने ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। कुछ देर बाद आप यहां पर देख सकते हैं प्याज के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। इसका फ्लेम लो कर देंगे और अब इसमें डालेंगे 5 से 6 चॉप किए हुए टमाटर और इस टमाटर के सॉफ्ट होने तक आपने फ्राई करते जाना है। तो यहां पर टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो रहे हैं। अब इसमें डालेंगे नमक। तो नमक जाएगा 6 चम्मच। 2 चम्मच नमक हम गोश्त में भी डाले थे। और अब डालेंगे 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। जितना आप स्पाइसी चाहते हैं उसके हिसाब से ही डालें। 1/2 चम्मच जाएगी हल्दी पाउडर। 1 चम्मच भर के जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हम इसमें नहीं डाल रहे। अगर आप तहरी में ऑरेंज कलर पसंद नहीं करते तो आपने इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है तो कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसमें डालेंगे 1 आलू बुखारा जिसको हम इस तरह से मैश करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा है इसीलिए हम इसमें डाल रहे हैं। वैसे तो तहरी में आलू बुखारा नहीं डालते लेकिन हमारे पास आलू बुखारा बहुत ही ज़्यादा खट्टा था तो इसलिए हम इसमें डालते हैं ताकि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आए। अब इसमें डालेंगे 1/2 लीटर ब्लेंड किया हुआ दही। दही को आपने अच्छे से ब्लेंड कर देना है। इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल खट्टे वाले दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप तहरी में आलू डालना चाहते हैं तो आप इसमें आलू डाल के अच्छे से मिक्स करें और इसे पकने के लिए छोड़ दें। दही अच्छे से मिक्स होने के बाद इसके लिड को हम बंद कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए।
तो इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं मसाला बहुत ही अच्छे से पक रहा है। इसको एक बार मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे गला हुआ गोश्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त बहुत ही अच्छे से गल चुका है। इसके अंदर के जो नली थे ना उसको हम निकाल के साइड में रख दिए हैं और उसे हम दम पे इस्तेमाल करेंगे। गोश्त डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। कुकर में अगर गोश्त ठीक से नहीं गला है तो आप यहाँ पर उसे और भी ज़्यादा पका सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। इस तहारी में खट्टा आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। दही और टमाटर दोनों ही खट्टे थे तो हम इसमें नींबू की क्वांटिटी बिल्कुल कम रखें। और इसमें एक आलू बुखारा भी है तो इसमें ज़्यादा खट्टे की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें लेमन सॉल्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त बहुत ही अच्छे से पक रहा है। अब इसमें डालेंगे 3 जग पानी। 3 जग प्लस 1 गिलास इसमें पानी जाएगा, तो आप जितना चावल ले रहे हैं उसके हिसाब से आपने यहाँ पे पानी डाला है। 3 किलो चावल के लिए हम इसमें 3 जग पानी डाल दिए हैं और ये 1 गिलास और जाएगा। इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और भी जाएगा चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना। 1 जायफल का पाउडर इसमें जाएगा। इसके डालने से तहरी का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और अब इसमें डालेंगे 3 चम्मच के करीब भुना हुआ धनिया पाउडर। धनिया को भून के हम उसमें लहसुन डाल के पाउडर बना लिए हैं। 1.5 चम्मच जाएगा गरम मसाला, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है इसलिए हम इसको कम डाल रहे हैं। और ये भी आपका फ्रेश होना चाहिए। इसके बाद इसमें डालेंगे मीट और मटन मसाला। आपके पास मीट या फिर मटन का जो भी मसाला है आप इसमें 2 चम्मच डाल दीजिएगा। और अब इसमें जाएगा चाट मसाला, तो ये हम डाल रहे हैं 2 चम्मच। इसके डालने से तहरी बिल्कुल चटपटी बनती है। 1 कटोरी भर के डालेंगे कसूरी मेथी। 1 टीस्पून डालेंगे दालचीनी का पाउडर। इस तहरी में हम इस तरह के कलर का इस्तेमाल करें तो ये ऑरेंज रेड कलर है। इसमें जाएगा थोड़ा सा लेमन सॉल्ट, तो ये बिल्कुल खट्टा होता है इसलिए हम इसका कम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो खुशबू वाले मसाले होते हैं आपने इसका इस्तेमाल सबसे लास्ट में करना है। अगर आप शुरू ही में डाल के पकाएंगे तो ज़्यादा पकने की वजह से खुशबू चली जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पर पानी बहुत ही अच्छे से पक रहा है। अब इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। तो इस तहरी को हम नॉर्मल चावल के साथ बना रहे हैं, आप इसे बासमती चावल के साथ भी बना सकते हैं। गर्म पानी में चावल डालने के बाद इसे फौरन ही हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। वैसे तहरी नॉर्मल चावल के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तहरी के चावल बिल्कुल खिले हुए और साबित बने तो आपने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। और यहाँ पर हम इसे खुला रख के ही पका रहे हैं। हर थोड़ी देर बाद आप इसको मिक्स करते जाए वरना नीचे से बैठ भी जाती है। इसे हम खुला रख के ही पकाएंगे और इसका सारा पानी हम ऐसे ही ड्राई करेंगे। इसे पकते हुए 10 मिनट हो रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर जो पानी था वो आधा ड्राई हो चुका है। और 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं थाली के अंदर जो भी पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। अब इसको हम दम के लिए रख देंगे। इसके लिड पे हम कॉटन का गीला कपड़ा लगाए हैं ताकि चावल अच्छे से दम हो जाए। 10 मिनट के लिए इसको हम दम पर रख देंगे। इस थाली को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इसका फ्लेम हम ऑफ कर दिए हैं। इसको हम खोल के चेक करेंगे। इसके दम पे हम नली पे रख दिए थे और आपको हम बताना भूल गए, उस टाइम कैमरा ऑफ था। तो बस यहाँ पर तहरी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा खिली हुई बनी है, ज़बरदस्ती महक भी आ रही है। इसको हम प्लेट में निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तहरी का हर एक दाना खिला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार भी है। तो बस यहाँ पर तैयार है बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्ती बीफ तहरी। इसे गुलबर्गा की तहरी भी कहते हैं। बहुत ही जल्दी और बेहतरीन सी बन के तैयार होती है। आप इस तहरी को हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई करें और इसे इंजॉय करें। और अगर आपको हमारी आज की इस तहरी की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें। और अगर हमारे चैनल शहदाज कुकिंग पे न्यू है, पहली बार आए, तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम मिलते हैं एक और न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।